न्यूज 13 नेक विचार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश की आग और हम सब बिजनौरियों को यहाँ इकट्ठा करके एक आवाज में बुलंद करने वाले, यहाँ बुलाने वाले आप सबके चेहरे की रौनक और दिलों की धड़कन अबू आसिम आजमी साहब महाराष्ट्र के, हमारे उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे बीच में आज इनके बुलावे पर हम लोग यहां पर तशरीफ लाए हैं, आप लोग यहां पर आए हैं कि बड़ी तादाद यहां पर पहुंचे हैं और ये बिजनौर की जिम्मेदारी यहां पर बिजनौर का अध्यक्ष किया है नासिर अंसारी साहब, हमारे बचपन रशीद फर्मा, हमारे किरतपुर की आन और किरतपुर नहीं पूरे बिजनौर के लोगों के दिलों की धड़कन, वहां के दूसरी बार चेयरमैन और वाकई अगर किसी ने राज करना का दिल पर सीखे तो भाई मन्नाल साहब से सीखे, हमारे चेयरमैन भाई मन्नाल साहब, मजपरी रशी वर्मा हमारे बिजनौर के लहटौर के चेयरमैन, उससे पूर्व वक्ता बहुत युवा और बहुत कम उम्र में उन्होंने यहां ही मुकाम पाया है भाई राजा अंसारी साहब, बिजनौर के चेयरमैन हमारी पार्टी के बहुत जिम्मेदार साथी प्रोफेसर अंसारी साहब, हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के जुझारू और उनके बारे में आज बड़ा कईयों यहां बड़े स्वरूप चिंतित है समाजवादी पार्टी सरकार के लाने के लिए, लेकिन मैं बड़ा उत्पेयी हूं इसलिए हूं कि जब जब उनको जयपुर बिजनौर के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है तो यकीनन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई राशिद साहब जो हमारे बीच में यहां पर तशरीफ फरमा है और हमारे बीच हमारे जनपद बिजनौर के पूर्व महासचिव भाई बोलू कुरैशी सिंह फैसल अंसारी साहब, हमारे बीच में समाजवादी पार्टी से भी जिला पंचायत का चेयरमैन का चुनाव लड़े भाई मंदीप भाटी जी, प्रदीप सरदार मंदीप जी और नाम लोगों को बहुत वक्त लगेगा, समय काफी हो चुका है, 8:30 बज चुके हैं और आप लोग बहुत दूर से यहां पर तशरीफ लाए हैं, तो सबसे मन पर जितने लोगों से सभी समाजवाद के साथ माफी मांगते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वाकई ये ऐतिहासिक शाम हमें भी जिंदगी में याद रहेगी और आप लोगों का जो आपने यहां पर पहुंच करके हमारे नासिर साहब पर हम लोगों का यहां पर ऐतिहासिक उत्साह बढ़ाया है, इसके लिए मेरे पास अल्फाज देंगी कि अल्फाजों में वापस हो गया। मैं दिल की गहराइयों से यहां पहुंचने पर आप सबका खैर मुकदम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल रात को 11:30 बजे हम और मतदान साहब यहां पर एयरपोर्ट पर उतरे थे और तब से जो मोहब्बत देखने को मिली ऐसा लगता है कि हम बिजनौर में है ही नहीं, ऐसा लगता है कि हम मुंबई में ना होकर बिजनौर में है, सुबह से शाम आज पूरा दिन हो गया फोन उठाते कि आप हमारे यहां जरूर आइएगा, हमारे जरूर आइए, ऐसी मोहब्बत देखने को यहां नहीं मिलती। इसलिए कहना चाहता हूं कि वाकई में दिल की गहराइयों से मेरे पास अल्फाजों की बहुत कमी है कि किन अल्फाजों से ऐसी मोहब्बत का मैं शुक्रिया अदा कर सकूं जो हमारे जयपुर बिजनौर के लोगों ने यहां पहुंचे को दिखाई। मैं भाई राजेंद्र अंसारी साहब का बहुत दिल की गहराइयों से बार बार शुक्रिया अदा करता हूं, खैर मुकदम करता हूं, लेकिन आज जितने लोग यहां पर बैठे हैं वाकई अपने वतन को छोड़ करके जब कभी भी यहां पर आए होंगे कि मुश्किलों में आकर उन्होंने अपना कारोबार यहां पर जमाया होगा। हम लोग अपने वतन में रहते हैं, बिजनौर में रहते हैं, अपने शहर में रहकर, अपने गांव में रहकर, अपने वतन में रहकर नाम कमाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप सब लोग इतने तारीख उपयोगी के काबिल हो कि आप लोगों ने दूसरी जगह से आकर के और इस महाराष्ट्र पर छाने का काम अगर किसी ने किया है तो बिजनौर के लोग वहां पर किया है, यही सब जो हमारे आप सबके दिल की धड़कन है। अब वो आसिम साहब जिनको उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में महाराष्ट्र के शेर के नाम से जाना जाता है, जिन्हें जनपद जिन्हें पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी जितना प्यार करते हैं, माननीय मुलायम जी
जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है, जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर जगह धक्का खाया है, जमाया है सर्द रातों में खुद को, जमाया है सर्द रातों में खुद को, तपती धूप में खुद को तपाया है, नई बही हुए हैं कामयाब जिंदगी में अपने जिन्होंने इतिहास रचाया है। ये आज ऐसे ही आपके दिलों की धड़कन नहीं है, अखिलेश यादव के दिलों की धड़कन नहीं है, मुलायम सिंह जी की आवाज नहीं है, जवान नहीं है, इन्होंने अपने आप को वाकई किस तरह से तपा के रचा करके आप लोगों के बीच में रात दिन मेहनत करके समाजवादी पार्टी का नाम जब महाराष्ट्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान में अगर महाराष्ट्र के नाम से लिया जाता है तो वो समाजवादी के साथ। मैं यहां पर मौजूद आप सब लोगों से, अभी हमारे भाई मुझसे पहले हमारे रफी अंसारी साहब जिला पंचायत सदस्य भी है, समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने आपसे गुजारिश की कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और उत्तर प्रदेश में चुनाव में आप सब लोग हमारी चल के मदद करें। मैं तो आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में तो मदद करनी ही करनी है, लेकिन यहां पर भी भूल मत जाना अपने शेर को, अपने प्रभु आसिफ भाई के साथ को, यहां पर भी अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है तो यहां पर अगर मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपको अभी आसिफ साहब को मुख्यमंत्री बनाने का, यह अपनी पार्टी को उतना मजबूत करने का काम करें कि यहां के सब लोग आप सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके अखिलेश यादव जी की नीतियों पर चलते, मुलायम सिंह यादव जी की नीतियों पर चल करते हुए आज महाराष्ट्र में हम लोग जो समाजवादी पार्टी की सरकार हो वो दिन कितना खुश नसीब होगा कि जिस दिन महाराष्ट्र में भी हम समाजवादी पार्टी की सरकार में तो शामिल आ गई है, लेकिन जिस दिन अगर कभी हमारा मुख्यमंत्री यहां से बन जाएगा तो वो बिजनौर वासियों के लिए सबसे बड़ा खुश नसीब का दिन होगा। आज इसमें कोई दो राय नहीं, हिंदुस्तान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो मीडिया हकीकत नहीं दिखाता, मीडिया नहीं दिखाता। आज जो भी टीवी चैनल उन सबसे माफी मांगते हुए कहना चाहता हूं कि टीवी चैनल वो दिखाते हैं जो मोदी जी योगी जी चाहते हैं, अखबार वो लिखते हैं जो मोदी जी योगी जी चाहते हैं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत सच्चाई नहीं आप तक पहुंचती होगी तो सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचती होगी, थोड़ी बहुत सच्चाई व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से आप तक पहुंचती होगी। आज उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, मुसलमानों के लिए, अत्यंतों गरीब पिछड़ों के लिए, अगर कोई वहां पर बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो उसका नाम समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव है। जो हालात इन्होंने पैदा कर दिया, आज उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान का नौजवान बेरोजगार है, कभी लॉकडाउन के नाम से, कोरोना के नाम से बेरोजगार कर दिया, इससे पहले नोटबंदी के नाम से रोजगार कर दिया, बेरोजगार कर दिया। आज उस सब की लड़ाई को अगर कोई हिंदुस्तान में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में भी लड़ने का काम कर रहा है तो उसका नाम अखिलेश यादव है, और वो वक्त दूर नहीं जब पूरा हिंदुस्तान अखिलेश यादव जी को बड़ी आसमान बड़ी नजरों से देखता है। आने वाला कल इस हिंदुस्तान में अगर किसी का होगा तो अखिलेश यादव का होगा जब इस देश का प्रधानमंत्री अखिलेश यादव बनने का काम करेगा। इसलिए आप सबको बधाई देते हुए आपसे आमंत्रण देता हूं, निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि बिजनौर के लोग, हमारे नगीना के आसपास के बहुत लोग यहां पर हैं, गिरतपुर के बहुत लोग यहां पर हैं, जनपद बिजनौर के 2 लाख लोग पूरे मिलाकर लाखों लोग होंगे। आज बल्कि जब मैं यहां पर आया तो मैं अभी अपने भाई नरसिंह अंसारी साहब से ये कह रहा था कि आपने प्रोग्राम को बहुत खूबसूरत कराया, बहुत शानदार प्रोग्राम करा, आप जैसे लोगों को यहां बुलाया, इतने लोगों से हमें रूबरू कराने का काम किया, लेकिन उस हिसाब से आपका ऑडिटोरियम छोटा रह गया। अगर आप आवाज लगाते तो आज जब इस महाराष्ट्र में, मुंबई में इतने लोग नहीं, कम से कम तो 1 लाख आपकी आवाज पर लोग इकट्ठा होते। उन्होंने मुझसे वायदा किया है कि अगले साल हम लोग बने बनाएंगे, उन्होंने मुझे वायदा किया कि अगले साल जब हम इंदौर में प्रोग्राम करेंगे तो यकीन बड़े उसमें करेंगे, ग्राउंड में करेंगे, और वहां यकीन 1 लाख अबू आसमानी साहब की कयादत में वहां 1 लाख लोग वहां पर होंगे और तब तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। इसलिए आपसे
इसलिए आपसे ज्यादा न कहते हुए इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के किसानों की क्या स्थिति है। आप देख रहे होंगे कि 12 महीने से किसान आंदोलित है, पूरे हिंदुस्तान का किसान आंदोलित है। बॉर्डर पर पड़ा वो अन्नदाता जो सबका पेट भरता है, वो अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, आपके लिए, आपके मिलने वालों के, आपके परिवारों के लिए, क्योंकि किसान की कोई जाति नहीं होती। किसान की कोई जाति नहीं, किसान मुसलमान भी, हिंदू भी है, किसान सिख भी है, ईसाई भी है, किसान गरीब भी है, पिछड़ा भी है, वो सबके लिए आज अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम 800 किसानों को शहीद कर दिया, लेकिन इनके कान पर जू नहीं रही। लेकिन घमंड बहुत भी तो ज्यादा नहीं चलता, इनका जो घमंड है इतने जगहों पर वो बहुत जल्दी टूटेगा, और वो तोड़ने का काम अगर करेंगे तो आप लोग करेंगे। इसलिए आपसे बड़ी मद्देनजर गुजारिश के साथ और आशा के साथ इस बीच आपके बीच से जाना चाहता हूं कि 22 के चुनाव में जितने लोग यहां पर बैठे हैं वहां पर जाकर के अपनी उपस्थिति नहीं रद्द कराएंगे, बल्कि वोट की देकर वोट दिलवाने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। इसलिए आपसे ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि वक्त कम है, एक शेर के साथ अपनी बात को नजदीक ला रहा हूं, खत्म करना चाहता हूं कि जब आप लोग वहां से चले होंगे, जब आप इंदौर से महाराष्ट्र पहुंचे होंगे, तो क्या क्या सपने आपने देखे होंगे, किस तरह से आपने अपनी जिंदगी को दिया होगा, किस तरह से आपने यहां करके अपने माँ के, अपने बाप के, अपने भाई के, अपनी बहन के आशाओं को पूरा किया होगा, किस तरह आपने यहां दोस्त पैसे कमा करके अपने जीवन को सफल बनाने का काम किया होगा। पसंद जिनको वो अक्सर तना चलते हैं, ना भीड़ पसंद हो जिनको अक्सर तना चलते हैं, रोशन करने को किस्मत अपनी सूरज की तरह वो जलते हैं, कितनी भी कठिन हो रहा मगर कभी वो पीछे होते नहीं, पा लेते हैं कामयाबी को जो वक्त मुताबिक अपने आप को चलाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने मेरी बात को सुना, मैं आपका बहुत बहुत एहसान मंद हूं कि आपने मुझे से छोटे से आदमी की बात को सुन करके और छोटे से कार्यकर्ता का जहां तक अपने बारे में बता दूं कि मैं जनपद बिजनौर की विधानसभा क्षेत्र नगीना के छोटे से गांव का रहने वाला हूं, लोगों की खिदमत की और लोगों ने इतना प्यार मुझे दिया कि पहली बार 2002 में मैं इलेक्शन लड़ा तो मात्र 1200 वोट से हारा था, 2007 का इलेक्शन लड़ा तो 3200 वोट से हारा, लेकिन 2012 के इलेक्शन में आप सब लोग भले ही यहां पर थे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे क्षेत्र के लोगों की आप लोगों की दुआएं मेरे साथ की, आपने वोट भले ही ना दिया हो और बहुत से लोगों ने दिया भी होगा, लेकिन आप सबकी दुआओं से 2012 में 20,000 वोटों से जिताने का काम किया, इतनी दुआएं की पहली बार मंत्री बनने का सौभाग्य है। पहली बार में मंत्री माने बनाए थे यादव जी ने बनाया, और दूसरा 2017 में जब पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लहर चल रही थी, उस समय आप सबकी दुआओं ने लाखों हजारों की भीड़ में मुझे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं पर विश्वास करके 2017 के चुनाव में भी 11,000 वोटों से जिताकर विधानसभा पहुंचाया, और ये तीसरा इलेक्शन आपके सामने है, और मुझे कोई उम्मीद है कि इस तीसरे इलेक्शन में भी जो मेरे भाई यहां पर है, जो नेटवर्क के हो, नगीना के हो, जो मेरे वोटर हो, सपोर्टर है, वो बड़ी तादाद में वहां पहुंच करके मेरी भी मदद करेंगे, पूरे बिजनौर के लोग अपने अपने प्रत्याशियों की मदद करके अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, और आप सब लोगों के लिए जब कभी आप यहाँ पर याद करेंगे, हम भी आप सब लोगों के बीच में यहाँ पर आपके चुनाव में जो हमसे हो पड़ेगा आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर लाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, और वो आदिम जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।